विधानसभा चुनाव करीब आते ही पूरा प्रदेश राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर से पट गया है। पर गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर से कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की फोटो गायब है। अब खुद दिग्विजय सिंह ने फोटो ना होने की वजह बताई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दोनों कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, पर इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी दिग्विजय सिंह की फोटो को कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा में कोई जगह नहीं दे रही है। अब इसके पीछे का कारण खुद दिग्विजय ने बताया है। छतरपुर के नौगांव में कांग्रेस विधायक के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब भी मैं अपनी फोटो बैनर पोस्टर में नहीं लगवाता था। मैंने खुद ही पार्टी के नेताओं को मेरी तस्वीर ना लगाने के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तस्वीर पर मूंगफली खाए। मैं तो आज दूसरा दिन है मेरा जन आक्रोश यात्रा में, कल भी हो, परसों भी हो, तीसरे दिन भी हो। जहाँ तक मेरी फोटो है, मैंने खुद ने मना किया हुआ है कि मेरी फोटो मत लगाइए, क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री था तब सरकारी विज्ञापनों मेरी फोटो नहीं लगती थी, इसलिए मैं अपना चेहरा खुद सुबह शीशे में देख लेता हूँ। मुझे किसी फोटो में पोस्टर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पोस्टर और जो है बाद में उसमें मूंगफली बेची जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।